हल्द्वानी में एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 20 लाख के स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्करों में 2 जीजा साले और 1 रोडवेज का चालक है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने खुलासा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे मिशन ड्रग फ्री देवभूमि के तहत एनटीएस की टीम द्वारा 223 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई, जिन्हें जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रग फ्री देवभूमि का अभियान चल रहा है, उसी के क्रम में हमारी जो टीम है वो समय समय पर ऐसे नशा तस्कर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। आज हमारी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 223 ग्राम स्मैक जो है उसकी बरामदगी की गई है, और ये जो स्मैक है इसकी लगभग जो कीमत है वो 20 लाख रुपए के आसपास की है। इसमें जो 3 अभियुक्त हैं उनमें से 2 अभियुक्त यूपी के रहने वाले हैं, 1 अभियुक्त रुद्रपुर का रहने वाला है। इनमें जो 1 अभियुक्त है वो रोडवेज बस का चालक भी है। तो अब हम इसमें ये चीज की जांच कर रहे हैं कि ये जो स्मैक है ये कहाँ से इन्होंने खरीदी है और हल्द्वानी में किस किस को सप्लाई करते हैं। इस शानदार कार्य के लिए जो हमारी जो टीम है उसको मेरी तरफ से डाया जा रहा है।